पंचायती राज विभाग बिहार सरकार की ओर से जल जीवन हरियाली दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया मंगलवार को पटना से। वहीं आयोजित जल जीवन हरियाली कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दरभंगा समाहरणालय अवस्थित डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सभागार से हुआ। वहीं इस कार्यक्रम में जिलाधिकारी राजीव रोशन सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी और दर्जनों की संख्या में संबंधित लोग शामिल हुए। वहीं इस मौके पर दरभंगा के जिलाधिकारी ने दरभंगा समाहरणालय अवस्थित डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सभागार में जल जीवन हरियाली कार्यक्रम के विषय पर विस्तार पूर्वक इसके संबंध में बोलते हुए कहा और समर्जनित कुआओं के जीर्णोद्धार और उसके किनारे सोखता निर्माण परिचर्चा पर बातें रखी। मालूम रहे कि जल जीवन हरियाली कार्यक्रम का आयोजन प्रत्येक महीने के प्रथम सप्ताह के पहले मंगलवार को आयोजित किया जाता है। वहीं जिलाधिकारी ने कहा कि बिहार सरकार द्वारा जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए बहुआयामी अभियान चलाया गया है। वहीं 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के जन्मदिवस के अवसर पर 2019 को इस अभियान की शुरुआत की गई थी एवं जल जीवन हरियाली विषय पर जिलाधिकारी राजीव रोशन ने और भी कई महत्वपूर्ण बातों की जानकारी दी। बिहार सरकार के द्वारा जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए बहुआयामी अभियान चलाया गया है। 2 अक्टूबर 2019 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर इस अभियान की शुरुआत की गई और इसमें जो कार्यक्रम की रूपरेखा तय की गई उसमें न केवल सत्ताधारी दल के माननीय विधायक बल्कि विपक्ष के भी सभी दलों के लोग मिलकर के एक साथ बैठे और आपको जान के खुशी होगी आश्चर्य होगा कि 13 घंटे तक विचार मंथन सुझाव उस सारी चीजों पे चर्चा होने के बाद इस अभियान की रूपरेखा तय हुई और अभियान में क्रियान्वयन के विरुद्ध समस्या पे तो हर लोग बात करता है लेकिन हम क्या करें अपने राज्य में जिससे जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का हम सामना कर सकें, हम एक माहौल बना सकें प्रकृति के साथ विकास का, जल संरक्षण की दिशा में क्या प्रयास होने चाहिए, वायु प्रदूषण के दिशा में उसको कम करने की दिशा में क्या प्रयास होने चाहिए, भूमि का जो हमारी उर्वरा क्षमता है भूमि की उर्वरा क्षमता और भूमि का जो प्रदूषण है मिट्टी का उसको कम करने के लिए क्या करें, ये सारी बिंदुओं पर चर्चा हुई और कुछ परिणाम निकल के आए, कुछ पॉइंट्स आए, एक्शनेबल पॉइंट जिसको हम लोग बोलते हैं 11 कंपोनेंट में आप देखिएगा कि जो सबसे कोई भी अभियान कोई भी नीति अगर राज्य की जनता जागरूक नहीं होगी उसका सहयोग नहीं मिलेगा तो आप उसको धरातल पे नहीं उतार पाइएगा और धरातल पर ले भी आए तो उसका लाभ नहीं मिलेगा। अभियान है वो होता है लोगों का और लोगों के सरोकार से ही वो चीजें आगे बढ़ती है तो उसे बहुत महत्व दिया गया है। जागरूकता के संदर्भ में ही ये भी निर्णय लिया गया कि स्कूल कॉलेज में तो हम लोग इसकी बात करें ही, इस पर चर्चा करें ही, हर मंथ के प्रथम मंगलवार जल जीवन हरियाली दिवस के रूप में सेलिब्रेट करें ताकि ये जागरूकता बरकरार रहे। प्रथम मंगलवार को तो ग्रामीण विकास विभाग से जो उनके नोडल विभाग है उनसे तय हो जाता है कि हर माह किस विभाग के द्वारा किया जाएगा दिवस का आयोजन। तो इस दिसंबर माह में पंचायती राज विभाग के द्वारा किया जा रहा है सर और जो अवयव है जल जीवन हरियाली उसमें पंचायतों को जो जिम्मेदारी दी गई थी कि ग्राम पंचायतें जो है 15वें वित्त आयोग से और अन्य वित्त आयोग से भी जो है सार्वजनिक कुओं का जो जीर्णोद्धार है और उनके किनारे सोखता निर्माण है उनका कार्य कराएं और इसका महत्व काफी है क्योंकि सार्वजनिक कुएं दरभंगा जैसा कि जिला है यहाँ पे काफी जलाशय हैं और जो भी हमारे वाटर बॉडीज हैं अगर उनका जीर्णोद्धार होता है तो हमारा उन पंचायतों में वाटर टेबल अच्छा रहता है सर और उसका अन्य पीने के पानी को छोड़ के अन्य उपयोग के लिए भी हम लोग उसका करते हैं और सोशल और रिलीजियस उसका यूटिलिटी भी है सर हमारा और पंचायत भी काफी अच्छा लगता है। दरभंगा जिले के नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत दरभंगा के अलंकार ज्वेलर्स में लगभग 3 वर्ष पहले दिन दहाड़े हथियार के बल पर फायरिंग करते हुए बड़े पैमाने पर लूट की घटना को अंजाम दिया गया था
जिस घटना में कई अपराधियों को पहले ही गिरफ्तार कर पुलिस जेल भेज चुकी है। वहीं इस घटना में शामिल एक और अपराधी को दरभंगा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 9 दिसंबर 2020 को 10 बजे दिन में दरभंगा जिला के नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत बड़ा बाजार स्थित अलंकार ज्वेलर्स से कई अज्ञात अपराधियों द्वारा पिस्तल से फायरिंग कर ज्वेलरी दुकान से हीरे सोने चांदी ज्वेलरी सहित नगद राशि की लूटपाट की गई थी एवं अनुसंधान के क्रम में इस कांड में कुल 34 अपराधियों को गिरफ्तार डिमांड कर आरोप पत्र समर्पित किया जा चुका है और छापेमारी के दौरान 30 लाख रुपए नगद हीरा जेवर 71 पीस 2 किलो 810 ग्राम लगभग सोने के जेवरात एवं पिघला हुआ सोना बरामद किया जा चुका है। शेष बचे अभियुक्त चंदन राय उर्फ करण राय जो मुसरी घराड़ी जिला समस्तीपुर का रहने वाला है उसके गिरफ्तार के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही थी और वह चंदन राय गिरफ्तारी के डर से हैदराबाद भाग गया था। वहीं 3 और 4 सितंबर 2023 की रात्रि में गुप्त सूचना के आधार पर समस्तीपुर जिला के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत बिशनपुर गांव से उसे गिरफ्तार किया गया। तमाम घटना के संबंध में प्रेस वार्ता कर नगर थाना अध्यक्ष एचएन सिंह ने मीडिया से बात की और कई महत्वपूर्ण जानकारी भी दी। देखिए नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत बड़ा बाजार स्थित अलंकार ज्वेलर्स में वर्ष 2020 में 9 दिसंबर को भीषण डकैती की घटना अपराधकर्मियों के द्वारा दी गई थी जिसमें काफी मात्रा में हीरा जवाहरात चांदी इसके बाद सोना की लूट हुई थी और फायरिंग भी अपराधकर्मियों के द्वारा किया गया था। अनुसंधान एवं छापेमारी के क्रम में पुलिस ने करीब 34 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया और कुछ कांड अन्य कांडों में भी गिरफ्तारी हुई थी उसमें रिमांड किया गया और उनके विरुद्ध 34 अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप समर्पित किया जा चुका है और इसमें गिरफ्तारी के लिए चंदन उर्फ करण राय जो कि पकड़ा हुआ शख्स जो मुसरीघाड़ी थाना क्षेत्र रुपौली के रहने वाले हैं जिसमें इनकी अहम भूमिका थी, इनके आपराधिक इतिहास भी है और कुछ आपराधिक इतिहास खंगाला भी जा रहा है। ये घटना के बाद से हैदराबाद भाग गए थे जिनके गिरफ्तारी हेतु लगातार जाल बिछाया जा रहा था और बीते रात्रि कल इनको नगर मुफस्सिल थाना समस्तीपुर के बिशनपुर गांव से रिश्तेदार के यहाँ से इनको गिरफ्तार किया गया और इस घटना में मुख्य सरगना रविंदर सहनी प्रिंस सहनी हनी सहनी जैसे अपराधकर्मियों पर आरोप समर्पित किया जा चुका है और अभी इसमें कुछ संदिग्ध अपराधकर्मियों पर भी अनुसंधान चल रहा है और उसमें लगभग 2 किलो 810 ग्राम सोना 71 पीस हीरा सोना से जड़ित जवाहरात और 30 लाख नगद बरामदगी भी की गई है। इसके पास से कुछ मिला है सर? इसके पास से इसको हिस्सा में 250 ग्राम सोना मिला था जो कि उसको बेचकर अपराधकर्मियों के द्वारा ही इसे 7 लाख रुपया नगद दे दिया गया था जिसने अपने भाई की शादी में खर्च कर दिया था। इस प्रकार टोटल रुपया जो लूट के जो सोने के था इसको खर्च कर दिया है। सर अभी तक कितने लोग गिरफ्तारी हो चुकी है इस कांड में? इस कांड में 34 लोगों पर आरोप समर्पित किया गया, 35वां शख्स है। सर जो अपराधी की गिरफ्तारी हुई है सर क्या उनके द्वारा किन्हीं और की संलिप्तता की आपको बात बताई गई? जो पूर्व में जो चार्जशीटेड है उनके पूर्ण रूप से उनकी संलिप्तता की बात बताई और घटनाक्रम के पूरी तरह से उन्होंने बताए हैं जिस तरह से ये घटना के दौरान इनकी उपस्थिति थी, अभियुक्तों के साथ तालमेल था, भागने और बंटवारा संबंधी सभी चीज इनकी स्वीकारोक्ति बयान में किया जाएगा और इस टीम का छापेमारी दल में हमारे साथ साथ हमारे अर्चना कुमारी जो प्रशिक्षु कुंवनी हैं, इसके अनुसंधानक रविंदर यादव, हमारे अग्निरक्षक निशांत कुमार, इसके बाद छोटू कुमार, सभी लोग सम्मिलित थे और कल आज बीते पिछले रात्रि को हम लोग मुफस्सिल थाना क्षेत्र समस्तीपुर के बिशनपुर गांव से इनकी गिरफ्तारी की। यानी लगातार 3 साल से इस अपराधी की खोज नगर थाना जारी रखी बैठी नहीं? लगातार इसके सूचना घर पर आने के जाने का मिलती थी लेकिन अस्थायी रूप से ये हैदराबाद में शिफ्ट कर गया था और छुप कर आ रहा था। लगातार हम लोग इसमें अधिकतर इस कांड में पूर्व के अनुसंधानकर्ता के द्वारा बड़े पदाधिकारियों के द्वारा काफ़ी मेहनत किया गया था जिसमें कि काफ़ी मात्रा में हीरा और सोने
यानी ये बरामदगी हुई और काफी कुख्यात अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी कर उन लोगों को जेल भेजा गया था। दरभंगा जन सूरज पदयात्रा के तहत हनुमान नगर प्रखंड पहुंचे प्रशांत किशोर ने आज सीएम नीतीश कुमार पर ही नहीं बल्कि सीएम के करीबी मंत्री संजय झा पर बिना नाम लिए खूब निशाना साधा। प्रशांत किशोर ने कहा कि ये इलाका बाढ़ से ग्रसित है और बाढ़ न आए इसको लेकर कई योजनाओं को सिर्फ अधिकारी लूट खसोट के लिए चला रहे हैं। दरभंगा और मधुबनी के संजय झा हैं जो आज जल संसाधन मंत्री बने हुए हैं, लेकिन धरातल पर कोई काम नजर नहीं आ रहा। नहर खुदवा दिया गया लेकिन पानी नहीं आया, बल्कि नहर खुदवा कर रुपए निकलवा लिए गए। वहीं प्रशांत किशोर ने कहा कि पानी को अभिशाप बना दिया गया है, बल्कि बिहार के लिए ये पानी ताकत बन सकता है। पानी से तरक्की कर बिहार को संवारा जा सकता है। बिल्कुल भाई, सिर्फ बाढ़ नहीं, पूरा जो जल प्रबंधन है बिहार में, जो सिंचाई की योजनाएं चल रही हैं, मुझे लग रहा है कि महाराष्ट्र के बाद, एकदम मेरे पास इसका सही आंकड़ा नहीं है लेकिन मेरा अनुमान है कि महाराष्ट्र के बाद सबसे ज्यादा सिंचाई की लंबित परियोजनाएं बिहार में है। 1950 से चली जा रही है, अभी मधुबनी में, दरभंगा में, आज से नहीं, ये 500 बरस से ये योजना चली ही जा रही है। न कभी उसको पूरा किया जाता है न उसको बंद किया जाता है, वो परमानेंट कमाने का उपाय। दूसरा जो ये बांध की बात है, हर बार वही बांध सबको मालूम है, मतलब लोग तो गांव में ये बताते हैं कि पैसा देकर लोग बांध तोड़वाते हैं कि बांध टूटेगा तो फिर वहां पैसा आएगा। तीसरा जो सबसे बड़ी बात है कि जल को रिसोर्स के तरह हम देखते नहीं है, कि पानी हमारी सबसे बड़ी ताकत हो सकती है, इस तरह से नहीं देखते हम लोग, पानी को अभिशाप के तौर पर देखते हैं, जबकि पानी बिहार की सबसे बड़ी ताकत हो सकती है। जैसे मान लीजिए हम लोग के पास इतने लोग हैं जो मजदूरी करते हैं, अगर आपके पास रोजगार का साधन हो तो ये आपकी ताकत होगा, अगर रोजगार का साधन नहीं है तो आपके लिए अभिशाप है, लाइबिलिटी है, ये तो आप किस नजरिए से उसका इस्तेमाल करते हैं। सरकार की नजर में पानी कमाने का जरिया रहा है कि पानी से बाढ़ आने दो, तबाही मचने दो, उसमें कमाई करो। पानी से समाज की तरक्की कैसे होगी, बिहार का फायदा कैसे होगा, इसमें कैसे यहाँ इससे बिजली पैदा होगी, इससे सिंचाई कैसे होगी, इसकी चिंता नहीं है। सबकी चिंता यह है कि हर साल बाढ़ आए और उससे लूट हो, फिर अगले साल बाढ़ आए फिर लूट हो। अभी तो आपके जिले के ही जल संसाधन मंत्री हैं और इस जिले की क्या दुर्दशा है बाढ़ और सूखे को लेकर आप देख लीजिए। हम तो जितने प्रखंड से घूम कर आ रहे हैं लोग अपशब्द ही बोल रहे हैं, कहीं कोई नहर, मतलब कि कहीं नहर खुदवा गया झूठ मूठ का और वहां लोग बता रहे पानी ही नहीं आ रहा है, लेकिन खुदवा कर दो चार जो भी कितने हजार करोड़ रुपए उसमें निकाले गए। दरभंगा में तो दरभंगा तो उसका जीता जागता, जो मैं बात कह रहा हूँ इसको तो आप देख सकते हैं दरभंगा में क्या हो रहा है। माँ श्यामा मंदिर न्यास समिति दरभंगा द्वारा आयोजित 2 दिसंबर 2023 से लेकर 11 दिसंबर 2023 तक 9 दिवसीय नवायक कार्यक्रम के चौथे दिन मंगलवार को श्रद्धालुओं की काफी भीड़ देखने को मिली। माँ श्यामा मंदिर में माता के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की काफी भीड़ उमड़ी थी। वहीं यज्ञ स्थल से लेकर मंदिर प्रांगण के चारों ओर श्रद्धालुओं की मौजूदगी रही। श्यामा माई, जय श्यामा माई के नाम धुनों से पूरा मंदिर गूंज रहा था, पूरा इलाका भक्ति में डूबा हुआ था। माँ श्यामा माई नवा यज्ञ के चौथे दिन एक और जहाँ श्यामा भक्तों की भीड़ बढ़ती जा रही है, वहीं नाम संकीर्तन में लगे गायक कलाकारों का उत्साह भी बढ़ता जा रहा है। वहीं श्यामा भक्तों की सुविधा के लिए मंच, मंदिर सहित संपूर्ण परिसर में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। श्यामा का महामंत्र, श्यामा नाम सुन से लोग आप्यायित होते रहे हैं।
और सभी लोग माँ भगवती के मंत्र के धुन में शराबोर हो रहे हैं और सभी उससे आनंदित होते हैं। अहर्निश हवन में आहुतियाँ पड़ रही है, वैदिक विधान से हवन हो रहा है। यहाँ पर भगवती दुर्गा के सप्त सती से मंत्र से हवन हो रहा है, जिसके आहुति का धुआं लोग लगा रहे हैं, जिससे वर्ष भर नैरोग्यता प्राप्त होती रहेगी, आरोग्यता प्राप्त होती रहती है, ऐसी मान्यता है। इसलिए सभी लोग इस हवन कुंड के चारों परिक्रमा करके उस आहुति का आनंद भी ले रहे हैं और धुआं भी लगा रहे हैं। यहाँ पर हर इस जप भी हो रहा है और इस तरह से यह नवाह यज्ञ पूरे बढ़िया से चल रहा है। विश्वविद्यालय थाना दरभंगा की पुलिस के द्वारा मंगलवार को वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस अभियान के उल्लंघन मामले में कई मोटरसाइकिल चालकों पर जुर्माना भी किया गया। दरभंगा जिला के विभिन्न सड़कों और चौक चौराहों में आए दिन वाहन चेकिंग अभियान का आयोजन किया जाता है और मंगलवार को भी दरभंगा के कई जगहों पर वाहन चेकिंग अभियान का आयोजन किया गया। वहीं कई मोटरसाइकिल चालकों पर जुर्माना किया गया जिन्होंने हेलमेट नहीं पहन रखा था या ट्रिपल लोडिंग थी या उनके पास गाड़ी के कागजात नहीं थे, उन सब पर फाइन काटा गया। वाहन चेकिंग अभियान की यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं WIT रोड मुख्य सड़क के निकट, जहां विश्वविद्यालय थाना की पुलिस के द्वारा सघन वाहन चेकिंग का आयोजन किया जा रहा है। बैठल जी, तीन आदमी कहाँ से आ रहे हो? कहाँ घर है? घर कहाँ है? हेलमेट भी नहीं है तुम्हारे पास? लाइसेंस है? क्या नाम है तुम्हारा? पिताजी का नाम? घर? मिट्टी का पेड़ पौधों जानवर और मनुष्य से सीधा संबंध है। इसी की बदौलत सजीव जगत भोजन प्राप्त करने के साथ ही अपनी कई अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, इसलिए मृदा या मिट्टी को स्वस्थ रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। ये बातें विश्व मृदा दिवस के अवसर पर डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन के द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में राजकीय मध्य विद्यालय बलभद्रपुर के HM ने कही। उन्होंने निबंध प्रतियोगिता के प्रतिभागियों को बताया कि प्रतिवर्ष 5 दिसंबर को मृदा दिवस इसलिए मनाया जाता है कि लोगों को मिट्टी के महत्व की जानकारी मिले और इसके संरक्षण का सफल प्रयास किया जाए। जबकि शिक्षिका सुदीपा कुमारी ने कहा कि फसल उत्पादन में बेतहाशा उर्वरकों के प्रयोग और बढ़ते प्रदूषण के कारण मिट्टी की सेहत बिगड़ रही है, इसका सीधा दुष्प्रभाव मनुष्य पर पड़ता है। इसके चलते जहां लोग गंभीर बीमारी का शिकार बन रहे हैं, वहीं फसलों के उत्पादन का स्तर भी गिर रहा है। जबकि दूसरी तरफ मिट्टी संरक्षण है जरूरी विषयक निबंध प्रतियोगिता में कक्षा 5 से 8 तक के 48 छात्र छात्राओं ने भाग लिया, जिसमें से 8 की सुप्रिया सुमन को प्रथम, 7 की सौम्या कुमारी को द्वितीय और 8 की लक्ष्मी कुमारी को तृतीय स्थान के लिए पुरस्कृत किया गया। वहीं देव कुमार, अनुभव कुमार, राजनंदिनी कुमारी, पल्लवी कुमारी, अनामिका कुमारी, प्रिंस झा, रूपा कुमारी एवं नेहा कुमारी को 4th से 11th स्थान के लिए पुरस्कार दिया गया। निर्णायक के तौर पर शिक्षिका रीता कुमारी, कुमारी नीलम, मुन्नी कुमारी एवं वंदना कुमारी ने सर्वश्रेष्ठ प्रतिभागियों का चयन किया। संचालन अनिल सिंह ने किया।